छल का अभिनव शुक्ला का दर्द, फिनाले में न जाने का जताया अफसोस। वेल दोस्तों, कल है 21 फरवरी यानी कि कल है बिग बॉस 14 का ग्रैंड फिनाले और कल पता चल जाएगा कि आखिर कौन जो है वो बिग बॉस 14 का खिताब लेकर जाएगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि अभिनव शुक्ला का जो है दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है कि वो फिनाले में नहीं जा पाए। दरअसल हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में अभिनव शुक्ला ने जो है अफसोस जताया है और कहा है कि वो फिनाले में जाना डिजर्व करते थे लेकिन फिनाले में नहीं जा पाए। इस बात को कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो यहाँ पर फिनाले से कुछ ही कदम दूर थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया फिनाले में जाने का। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर आपको याद हो तो घर में जो कनेक्शंस बंद कर आए थे कंटेस्टेंट्स के, उन्होंने ही आपसी सहमति से अभिनव शुक्ला को बेघर किया था और उसके बाद जो है जनता ने यहाँ पर अफसोस जताया था कि अभिनव शुक्ला को क्यों घर से बाहर कर दिया गया। हालांकि हम आपको बता दें कि अभिनव शुक्ला को इस बात का दुख नहीं है कि वो घर से बाहर हो गए, बल्कि वो तो अपने बिग बॉस की जर्नी से काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उन्होंने बिग बॉस के घर में काफी कुछ सीखा है और अपने रिश्ते को भी सुधारा है। जिस तरह से रुबीना के साथ उनका रिश्ता जो है वो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर था, वो अब ठीक हो गया है। उन्होंने रुबीना को अपनी जिंदगी में दोबारा वापस पाया, तो इस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर अभिनव शुक्ला जो है बहुत कुछ सीख कर गए हैं इस घर से। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में उनका ये कहना था कि वो फिनाले में नहीं पहुंच पाए। फिलहाल आप अभिनव शुक्ला की बात से कितने ज्यादा सहमत हो, क्या आपको भी लगता है कि अभिनव शुक्ला जो है वो फिनाले में पहुंच सकते थे? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और बिग बॉस 14 से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।